सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे तूने चाहा। मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, जा निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मेरे घरेलू मसाइल की वजह से कितनी अजियत आपको उठानी पड़ी। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपकी शादी की किस कदर ख्वाहिश है। तू ये माने ना। अभी आप उठे, हमें शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग पर क्यों भाई? कल हम अर्श की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अर्श की बर्थडे? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि कल अर्श की बर्थडे है। कोई बात नहीं, एंड में कल सबको पार्टी दे रहा हूँ, अर्श की बर्थडे हम यहीं पे करेंगे। लेकिन आपने ये प्लान किया था तो आपने तो मुझे नहीं बताया। ये खा लो, वो खा लो, दूध पी लो, खाना खा लो, बस खाने पे ही जोर है। तो मेडिसिन नहीं खाओगी तो ठीक कैसे? मैं तो ये चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। पहले बनिए इंशाल्लाह। बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? जी मम्मी। मम्मी मैं सोच रहा था कि मुस्कान को वापस ले। क्या? तुम उसे वापस लाना चाह रहे? जी मम्मी, मैं मुस्कान को बहुत मिस करता हूँ। उसके बगैर घर सोना सोना लगता है। रात को अगर आंख खुल जाए तो कमरा काटने को दो। अब तो वैसे भी मुस्कान की आवाज सुनने की आदत हो गई। रात भर रोती थी तो नींद नहीं आती थी, फिर उसके रोने की ऐसी आदत हो गई, रोती नहीं थी तो नींद नहीं आती। हाँ बेटा, मुझे भी काफी दिनों से मुस्कान बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि एक दो दिन में जाकर उसे मिला, फिर मैंने सोचा न जाने जरिया भाव उसके क्या हालात होंगे, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। बेटा वैसे मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि मुस्कान को यही रहा, लेकिन मुस्कान इतने दिनों से अरमा के साथ रह रही है। इस तरह से तुम मुस्कान को यहां लेकर आओगे तो अरमा को कहीं बुरा ना लग जाए। मम्मी मुझे यकीन है अरमा बिल्कुल बुरा नहीं मनाएगी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप मुस्कान की देखभाल कर लेंगे, क्योंकि मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूं काम के सिलसिले में, सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाए।
अरमा ने तो मुझसे कहा था कि वो यहाँ भी मुस्कान की उतनी ही देखभाल कर सकती, मगर उसका यहाँ पर इतनी देर रुकना वो भी तो ठीक है। हाँ मैं ख्याल रखूंगी, क्यों नहीं रखूंगी मुस्कान का, होती है वो मेरी। थैंक यू। तुम परेशान ना। ये तलाक के पेपर मैंने दोबारा बना दिए हैं, इन पे साइन कर दो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैं पहले और बाद में कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम साइन कर रही हो अभी और इसी वक्त। आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लड़की कान खोल कर सुन लो, मेरा लहजा बदला है मगर मिजाज नहीं। मैं आज भी वही सलमा हूं जिससे पूरा खानदान कांपता था। अगर तुमने साइन ना किए तो मैं वो कर गुजरूंगी जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। क्या करेंगी आप, क्या कर लेंगे, क्या कर सकती हैं आप? आपकी नफरत की इंतहा क्या है? मार देंगी मुझे और समझती हैं कि मैं डर जाऊंगी? देखिए मेरी तरफ, मेरी जिंदगी इस वक्त मौत से भी बदतर है। जो मुझे मार देगा ना वो एहसान ही करेगा मुझ पर। सोच लो लड़की, सलमा से जंग तुम जीत नहीं सकती। क्योंकि सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। सोच ले, जंग आप शुरू करें, खत्म मैं करूंगी। देख लूंगी मैं भी। मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं और आपकी नाराजगी अपनी जगह ठीक भी है। मैं आपको अपने दिल की कैफियत लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अगर कर सकती होती तो शायद आपको एहसास हो कि मैं जो कर रही हूँ वो मुश्किल तो है अगर गलत नहीं है। इतनी नाराज है मुझसे कि बात नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ। तुम शायद ये भूल गई हो अर्श कि तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में और परेशानियां हैं। हमारी एक और भी बहन है
जिसकी शदीद तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में पड़ी है, और कितने अरसे से हमने उसकी खबर तक नहीं ली, सिर्फ तुम्हारी परेशानियों की वजह से। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं खामखाई तुम्हारी परेशानियों पे इतना परेशान हो रही हूं, जबकि तुम्हें खुद अपनी परेशानियों की कोई परेशानी नहीं। आप ठीक कह रही हैं, मेरी वजह से सबका ध्यान एनके से हट गया। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी उससे मिलने के लिए कल। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, मेरा आपसे और एन से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है अभी। इसलिए नहीं कह रही हूँ, तुम वहां जाओगी वो तुमसे 100 सवाल करेगी शादी के बारे में, कितनों के जवाब दोगी बताओ, और मैं नहीं चाहती कि उसका ध्यान फिर सब फिजूल बातों की तरफ लग जाए। उसे ठीक हो लेने दो एक दफा। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जान ले ली है। प्लीज सर, ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम उस गर्ल को बहुत प्यार करता, उसको मेरी तरफ से सॉरी कह रहा कि ये माना वाहोरे का हक अदा नहीं कर सकी। एंड प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़ के हमा, क्या बात है, क्यों परेशान है? परेशानी की बात तो है, सयान मुस्कान को लाना चाह रहा है, उसे संभालेगा कौन? मामा, इतनी छोटी सी बात पे आपको इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? तो परेशान क्यों नहीं हो? उसको संभालना तो मुझे पड़ेगा। तुमने कौन से मेरी हेल्प करवा देनी? फिर भी मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आप चाहती थी, तो अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कहते तुम ठीक रहे, बस आप ये दुआ करें कि भाभी ठीक होकर वापस ना आ जाए, नहीं तो सारे के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सारा, तुम भी कमाल करती हो, कैसी हो तुम? अभी एक लम्हे को मेरा दिल मुतमिन हुआ था, फौरन धड़का लगा दिया। ओफो मामा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अच्छा खैर छोड़ें, कॉफी पियेंगे? अभी लाती हूँ। Thank you.
अम्मा वाह, क्या दिन थे। कौन से दिन? उप्स अम्मा, वही दिन जब तुम नजरे से दुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है अम्मा, अब्बा के मरने के फौरन बाद जब तुमने फुफ्फो की पटोरी लगाई थी। और अब तुमसे भी एक छटान बराबर लड़की नहीं संभाली जाती। मेरे जले पर नमक छड़क रहा है क्या? एक्सक्यूज मी अम्मा, जले पर या कटे पर? दोनों पर ही उतनी तकलीफ होती है। वाह अम्मा, तुम्हें तो जख्मों ने शायर बना दिया। अब ये ना बेपर वाली बातें छोड़ दे। जिस मुश्किल में फंसे है ना, उसका हल बता कोई। सीधी सी बात है अम्मा, अर्श ने तो तुम्हारी बात अब मानी है और अब तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और अब जितनी भी तुम्हारे मुंह से आग निकलनी थी वो तो गई निकल। अब बारी है शाम का दूसरा मुंह कुचलने की। OMG! बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं एन की तबीयत कैसी है? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मम्मी एन कोमा में चली गई है। क्या, कोमा में? इस कमरे में पेशेंट थी एन, मेरी बहन है वो। अब इस कमरे में नहीं है, आपको पता है कहीं और शिफ्ट कर दिया उन्हें क्या? अरमा घर पर है? नहीं, वो तो एन को देखने हॉस्पिटल चली गई। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों क्यों मुझसे झूठ बोला? ये तलाकनामा है और इस पे तुमने साइन करवाने। किसके करवाने ये तो तुम समझ गई होगी। एक बहन को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरी को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती।